सबको ही पसंद है। ब्रेड गरम कर रही है मेरी सिस्टर। यहाँ पर चाय बन रही है, सुबह का टाइम है, नाश्ता बना रहे हैं, लाइट ज़्यादा आ रही है पता नहीं क्यों। और ये है सैंडविचेस, इसके अंदर आलू का मसाला था, मैंने पकोड़े बनाए थे आलू बॉईल करके, तो वो मैंने इसमें भरा है, सैंडविचेस बनाए। यहाँ पर ब्रेड गरम कर रही है मेरी सिस्टर और मैंने चने उबाल कर रखे हैं, पुलाव बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरी सिस्टर के आने के बाद उसकी रूटीन ये है कि पहले तो उसने मेरे बच्चों की अलमारी सेट की है, मेरी बेटी की ख़ास तौर पे जिस तरह से होती है जो उसकी कंडीशन, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कहा कि पहले मैं ये अलमारी सेट कर देती हूँ। और इसके बाद ये मेरे साथ किचन में खड़ी ही होती है, थोड़ा बहुत काम करवाती रहती है, कुछ ना कुछ मेरे साथ करवाती रहती। बहनें तो इसी तरह से होती हैं, शादी से पहले चाहे इन्हीं कामों पर हम लोग लड़ते थे कि मैंने इतना काम कर लिया, तुम बिल्कुल नहीं करती हो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन अब एक दूसरे का ज़्यादा एहसास करने लगे हैं शादी के बाद, बच्चे होने के बाद। बहनें इसी तरह से एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। इसके बाद मुझे जाना था, मैं अकेली ही गई हूँ ग्रॉसरी के लिए और अब वापस आ रही हूँ। अच्छा, ग्रॉसरी के लिए मैं गई हुई थी और मेरी सिस्टर से कहा था कि खाना बना लेना, उसने बनाया है मटर पुलाव और आकर मेरे खाना खाया। अब उसने मशीन लगाई हुई है, वो कपड़े धो रही, वो भी दिखाती हूँ और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्या क्या। उस दिन मुझे ना इतनी क्रेविंग हो रही थी मीठे की, मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ मीठा खाऊँ, क्योंकि सर्दियों में रात लंबी होती है, थोड़ा सा दिल चाहता है कुछ खाने के लिए, तो मीठा कुछ भी नहीं था। मैंने फ्रिज भी चेक करा होते हैं और मेरे ख्याल में पीनट भी लगा हुआ है, तो ये वाला गुड़ मैंने लिया है, ये भी खाने में अच्छा लगता है जब खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर ले लेते हैं। ज़्यादातर कहीं से अगर कोई पंजाब से आता है तो ये ज़रूर लेकर आते हैं। तो ये है असली देसी घी वाली पहलवान रेवड़ी, गुड़ वाली ये लिए, ये वहाँ पर थी तो मुझे नज़र आ गई, मैंने ले ली। और टिश्यू पेपर है और ये है फिनाइल, और फिनाइल की जो छोटी बॉटल होती है इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आप लोगों ने भी ऐसा फील किया है या मुझे ही लगता है? मुझे चीज़ें लेने में इतना मज़ा आता है, लेने में, शॉपिंग करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लग रहा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके बाद ये मुझे अब चीज़ें रखनी है, उसके बाद कैबिनेट्स की सफाई भी होगी और ये चीज़ सारी चीज़ें मुझे रखनी भी हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसमें 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, तो अब मैं बनाऊँगी चाय और ये सारी चीज़ें रख के और उसके बाद फिर और इसके बाद अब ये कपड़े धोने लगी थी, तो मैंने कहा कि थोड़े से धो लो अपने बच्चों के, ज़्यादा फैलावा मत करना, क्योंकि शाम को फिर रोज़ाना ही शाम क्या होती है, वही बस सुबह का नाश्ता किया, दोपहर का खाना बनाया और फिर निकल जाते हैं। मार्केट का काम है, इसने गर्म कपड़े बच्चों के लेने थे, कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी, कुछ बच्चों को थोड़ा बाहर लेकर गए थे, तो इसी तरह से रोज़ का हम लोगों का काम होता है, जो कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता कि मैं ब्लॉग भी अपलोड कर सकूँ। और मेरी इतनी सारी छुट्टियाँ हो चुकी हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी थी, लेकिन हो चुकी हैं, इसके लिए जो मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं उनसे मैं सॉरी कहती हूँ। और यहाँ पर खाना बना लिया ही, नेक्स्ट डे है, खाना बनाने के बाद दोबारा से मार्केट आ चुके हैं। इसने मैचिंग करनी थी अपनी, इसकी शर्ट जो है वो टेलर ने कुछ गलत सी दी थी, लेंथ कम हो गई थी। और यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ये मार्केट का काम करने के बाद फिर बच्चों को लेकर गए थे बाहर और यहाँ पर सबने कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं उनके बच्चे आइसक्रीम ही खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे थे, बच्चों ने कहा कि हम भी पियेंगे, तो उनको हम लोगों ने लेकर दे दी है। और आज का व्लॉग यहीं तक, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।